I'm so, so, so happy, Ma. Thank you so much. Thank you for coming. आज खाने में कोई करेला नहीं मंगवाना. अरे पर क्यों बा? अरे मीठा निकलेगा. अब सबसे कड़वी चीज इतनी मीठी हो गई, तो फिर करेले की क्या औकात? मैं क्या कह रही हूँ कि इन लोगों की शादी तक ना तुम यहीं रुक जाओ. अब शादी नहीं बर्बादी होगी, तुम्हारे पूरे खानदान की बर्बादी. मिस शाह. जय श्री कृष्ण राखी बहन. जय श्री कृष्ण. आई एम सो हैप्पी. बहुत अच्छा हुआ कि आप भी आ गई. एंड आई प्रॉमिस यू, आपको और आपके परिवार को ये हॉलिडे जिंदगी भर याद रहेगा. आपने हमारे परिवार के लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. आजकल मैं आपके ही परिवार के बारे में सोचती हूँ मिसेस शाह. मैं चाबी लेकर आता हूँ. एक्सक्यूज मी मैम. या बंद है? ओह नो. क्या हुआ? हाँ नहीं, एक्चुअली आप लोग इतने लंबे सफर से आए ना, तो आप लोगों का चाय नाश्ते का इंतजाम मैंने रेस्टोरेंट में करवाया था और रेस्टोरेंट बंद है. सो आई थिंक हम पूल साइड रेस्टोरेंट में जाकर चाय पीते हैं. हाँ मैं आप लोगों को वहाँ का व्यू मिस नहीं करने दूंगी, बहुत मजा आएगा. राखी बहन वो पूल की तरफ नहीं, कहीं और बैठते हैं ना. पूल के पास क्या प्रॉब्लम है मिसेस शाह? वो वहाँ ये या राइट, वहाँ बा और कूल डूड कंफर्टेबल नहीं होंगे ना. तो अब लेकिन मैं टोटली कंफर्टेबल हूँ, मैं वहीं पे चलता हूँ. भाई लो हम कहीं और बैठ जाते, यू नो गार्डन या फिर कैफे. इट्स ओके समर एंड मिस्टर शाह, ये सब नॉर्मल है एंड आई एम श्योर बा विल बी वेरी फाइन ओवर देयर. इट्स ओके. तो तू जाके बैठ. और वैसे भी मैं और तेरे बापूजी ना कमरे में जाते हैं, वो सफर करके मेरी तो कमर रह गई है और इनको भी तो आराम की जरूरत है. हाँ ये सही रहेगा. हाँ एक्चुअली हम लोग भी जाके थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं. हाँ गुड आइडिया, लेट्स गो. बा और कूल डूड के बिना तो वैसे भी मजा नहीं आएगा, तो लेट्स गो. या हाँ 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 चलिए. सॉरी यहाँ राखी बहन. चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, चलते हैं पुल के साइड और चाय पीते हैं. नो थैंक्स. ठीक है तो मैं भी अपने रूम में जाता हूँ. ये चांस मिस हो गया तो क्या हुआ, और भी बहुत मौके मिलेंगे. मॉम थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. आई होप इसके पीछे भी आपका कोई पर्पस नहीं है, और अगर है प्लीज स्टॉप इट. वाह, अब मेरी बेटी भी मुझे आंख दिखाने लगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शाह परिवार, जिनकी औकात थाबे में जाने की नहीं, उनके लिए मैंने ये रिजॉर्ट बुक करवाया ताकि मैं वनराज शाह को रंगे हाथ पकड़वा सकूं. आई होप मैंने जो सोचा है वो पूरा हो जाए, क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा. अरे मैं दूसरी फेरी में आ जाऊंगी, तू जा बापू जी को छोड़ दे कमरे तक. हाँ मम्मी आप भी आराम से आ जाइएगा. ओके बाय. किसे कॉल कर रहे हो? एक मिनट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. हेलो. मैं एक दिन के लिए बाहर क्या नहीं निकला, तुम घूमने निकल पड़े? मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ पूरा परिवार आया है. राखी बहन की दोस्त का रिसोर्ट था, उन्होंने बुलाया और बा बापू जी का भी मन था, इसलिए हम सब चले आए. अगर आपको कोई तकलीफ है तो बा को फोन करके बात कर लीजिए. तुम अच्छी तरह जानती हो बापू जी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुमने उन्हें मना नहीं किया? मैंने डॉक्टर भाई से बात की थी, उन्होंने कहा कि बापू जी ये सफर कर सकते हैं और ये खुली हवा उनकी सेहत के लिए अच्छी है. क्या नाम है रिजॉर्ट का? अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स पे. नाम तो पता नहीं है पर ये बड़ो
हेलो, काट दिया फोन। आई एम सॉरी मिसेस शाह, आई एम रियली सॉरी। अगर वनराज को पता चल गया कि ये लोग यही हैं, तो वो चुपके से यहां से निकल जाएगा और मेरा बड़ा वाला प्लान फेल हो जाएगा। ओ नो, ऐसे नहीं, तमाशा सबके सामने होना चाहिए। मिसेस शाह, लेट्स गो। चलो लिफ्ट आगे। अरे राखी बहन, डोंट वरी मिसेस शाह, मैं मिस्टर शाह को बता दूंगी कि मैंने ही जिद करके आप लोगों को यहाँ बुलाया था। बहन, मैं उन्हें भी कह दूंगी कि वो स्ट्रेट हैदराबाद से यहाँ आ जाए। रिलैक्स। कितना बड़ा कमरा है। अरे मैं क्या कहती हूँ कि आप ना वो गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने जाना ही मत, इसी में कर लेना। यहाँ आराम करने आए हो, वॉक करने? हाँ ये भी सही है। सुनिए, वो एसी फुल कीजिए ना, ठंडी लगनी चाहिए। ये क्या है? ये नहाने के बाद पहनने का होता है। अच्छा, वाह सरस्य। मैं ना वो बाथरूम में साबुन, शैम्पू, सुई धागा, पाउडर जो भी होगा ना सब लेकर जाऊंगी। वो वनराज होटल में जाता है पर कुछ लाता नहीं है, कहता है कि शर्म आती है। मुझे कोई शर्म बरम नहीं है, मैं तो एक एक चीज घर लेकर जाऊंगी यार। अरे बहुत मजा आएगा। ये वाला हमारा। और ये वाला हमारा। ओके, सी यू। सी यू। हाय सुरुमा, नंदिनी। लिसन, डोंट वरी, ओके? अब हम दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, तो तुम्हें सिर्फ हाफ पे करना पड़ेगा। हैप्पी नाउ? अच्छा लिसन, हाँ, आई नो यू एंड तोशु भाई अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सो डोंट वरी, जब भी तुम्हें उनसे मिलने का मन करे ना, लेट मी नो, मैं बाहर गार्डन में चली जाऊंगी। अरे नंदिनी, बाहर जाने की क्या जरूरत है? हाँ तुम समर के पास चले जाना। शाबाश किंजू बेबी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। देखिए इतना छोटा फ्रिज है पर कितनी सारी चीजें भरी हुई है। मस्त। हमारी माँ, यहाँ पर 15 रुपए का पैकेट 100 रुपए का होता है, तोने दो। हमें क्या पैसे भरने? पैसे तो वो किंजू बेबी की मम्मा ही भरेगी ना। अच्छा, जिंदगी में पहली बार 100 रुपए के पैकेट वाली मूंगफली खा रही हूँ। वो तीखी मिर्ची के आज तक के सारे पाप धुल गए। पर वो अचानक इतनी अच्छी कैसे बन गई? आज सुबह जो हमारे यहाँ आई थी वो राखी, और हमें शाम को मिली वो राखी, बनने में जमीन आसमान नो फर्क से लीला। ठीक कह रहे हैं आप, कुत्ते की दूम ना कभी सीधी नहीं होती है, उसके वो खुराफाती दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा। मैं भी लीला हूँ, अगर वो कोई गड़बड़ करेगी ना तो ऐसा दबोच लूंगी कि पंजा भी नहीं मार पाएगी। कम मिसेस शाह, दिस इज योर रूम। इनफैक्ट ये हनीमून स्वीट है जो मैंने पर्सनली आपके लिए चूज किया है। आई नो मिसेस शाह मिस्टर शाह यहाँ नहीं है, बट यू नेवर नो, वो हैदराबाद से स्ट्रेट यहाँ पर आ जाए। मेरे समधी और समधन का रूम तो स्पेशल होना ही चाहिए ना। यू रिलैक्स, ओके, आई विल सी यू लेटर। राखी बहन, इतना बड़ा कमरा मेरे अकेले के लिए? अरे गुड ना, कभी कभी इंसान को खुद के साथ भी वक्त स्पेंड करना चाहिए, सो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योर स्टे, ओके? आई विल सी यू लेटर। थैंक यू। कितना वियर्ड होता है, कार्ड सिस्टम इज बेस्ट। अरे बाबा, कार्ड भी अगर फोन के साथ रखो तो खराब हो जाता है, लेट मी ट्राई।
की आवाज। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अभी अभी बाहर ये थे, इन्हें फोन किया तो वो कंप्यूटर वाली बेन भी गुजराती बोल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहीं है इसी रिजॉर्ट में? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी नहीं। मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्या करूं? जाके एक बार देख के आऊं क्या? मन को शांति मिलेगी। मैं मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।